फूड हैंडलर्स हैं, उनकी गुड हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए हमारा फूड सेफ्टी एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है एफएसएसआई के द्वारा। तो हम इन सब जितने भी मिड डे मील से जुड़े हैं या स्कूल लंच प्रोग्राम से या केटरिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, उन सबको हम ये ट्रेनिंग जो है वो दिलवाएंगे। देखिए, जो बच्चे हैं वो हमारे भारत का भविष्य है, तो अगर हम उनको अभी से ये चीज़ में जागरूकता देंगे कि जो ट्रांस फैट एसिड्स जो हमारी डाइट में हैं वो बाद में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि उससे जो है वो गंदा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं वो बढ़ जाता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो घट जाता है। यदि वो हमारे खून में रिसता है तो धीरे धीरे हमारे चांसेस जो हैं, जैसा कि सर ने बताया, सोनू सर ने, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। देखिए, जो ये सेमिनार पीजीआई चंडीगढ़ आयोजित कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जो हेल्थ है पंजाब और चंडीगढ़ के साथ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उसके अंदर ट्रांसफैट फ्री फूड मिले, और उसके लिए हमने एक न्यूज़लेटर भी जारी करने जा रहे हैं। और उस न्यूज़लेटर का उद्देश्य यही है कि उसमें गाइडलाइंस हैं कैसे अपने स्कूल को हम ट्रांसफैट फ्री बना सकते हैं, उनकी कैंटीन में क्या तरह का फ़ूड अवेलेबल हो, क्या तरीके का फ़ूड अवेलेबल ना हो। या इसके अलावा ये है कि फ़ूड चंडीगढ़ के जो स्कूल हैं, हर एक स्कूल है उसके 100 गज के दायरे के अंदर कोई इस तरह का फ़ूड अवेलेबल, जो ये फ्राइड मोमोज़ हैं, तो इस तरह के जो फूड हैं जो बिल्कुल ही फ्राई करते हैं, ओपन फ्राई करते हैं, तो इस तरह के फूड आते हैं। इवन पैक्ड फूड जो हैं जिसमें हमारे कुकीज़ होती हैं, कुछ कुकीज़ जो होती हैं उनमें हाई क्वालिटी, हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स होता है। इवन बेकरी आइटम्स होती हैं, उसमें केक्स होती हैं, उसमें भी बहुत तरह का ट्रांस फैट होता है, तो वो चीज़ें ना अवेलेबल हों वहाँ पर। एक आपने सर्वे की बात की, जो सर्वे काफ़ी चिंताजनक है, उस सर्वे में ओबिसिटी बढ़ी है, उसके बाद देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है हर 5 साल बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कराती है। तो अभी एक कल ही रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, तो उसमें देखा गया है कि पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर हमारी जो ओवरवेट हैं लोग, उसकी जनसंख्या बढ़ी है। अगर हम बात करें पंजाब की तो अराउंड 43% फीमेल्स ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं। इसका मतलब ये हुआ हर 2 से 3 के पीछे एक फ़ीमेल जो है वो ओवरवेट है। इसी तरीके से अगर मेन की बात करें तो 37% के करीब वो ओवरवेट हैं, तो हर तीसरा जो आदमी है वो ओवरवेट है पंजाब के अंदर। इसी तरह से हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस भी बहुत बड़ी है, अराउंड 35% या 35 to 40% मेल फीमेल के अंदर, मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में थोड़ी सी कम है, तो उसमें हाइपरटेंशन भी प्रेवलेंस बढ़ी है। इसी तरह से डायबिटीज़ भी हमारी पंजाब और चंडीगढ़ में बढ़ी है। सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे इन दोनों स्टेट्स के अंदर, पंजाब चंडीगढ़ के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर चंडीगढ़ की बात करें, इसमें कोई परसेंटेज? चंडीगढ़ की भी पंजाब की तरह ही है, थोड़ा सा कम है ओबीज़ का। हमारे जो अगर ओबेसिटी हमारी फ़ीमेल्स 43% पंजाब में है, तो अराउंड 33% हमारी चंडीगढ़ की फ़ीमेल्स भी ओबीज़ है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि स्पेशली जो फास्ट फूड है वो थोड़े बच्चों की पहुंच से दूर रहना चाहिए उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास भी रहेगा जो पौष्टिक भोजन है उसकी शॉप्स होनी चाहिए, चले या ऐसा कुछ और? बिल्कुल, बच्चों को अगर हमें अल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से लेंगे। तो हमें हमारा ये उद्देश्य रहेगा इस वर्कशॉप के बाद, हम स्कूल्स के साथ भी एक सेमिनार करेंगे, स्कूल के टीचर्स वगैरह को बुलाने की कोशिश करेंगे अगले फेज़ के अंदर, और उनके साथ पीयर एजुकेशन, कुछ एक पीयर टीचर होंगे जो इस तरह के हर एक स्कूल में 2 या 3 टीचर और 2-3 स्टूडेंट्स जो इस तरह के सेमिनार्स अपने स्कूल में करें, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स करें, इस तरह की चीज़ें करें जिससे अवेयरनेस भी हो। और हम उनको कुछ डाइट्स के बारे में बताएंगे कि क्या कैंटीन में क्या क्या चीज़ हेल्दी फूड प्रोवाइड हो सकता है, जिसमें फ्रूट्स भी आते हैं। तो डायरेक्टिव जा चुके हैं सर सारे स्कूल्स को? देखिए, एफएसएसआई की गाइडलाइंस तो हैं, वो तो सबको पता है, पर यही है कि गाइडलाइंस आ गई हैं पेपर्स के अंदर, कितनी स्कूल के पास गई हैं कि नहीं गई हैं ये पता नहीं है। पर हमारे जो न्यूज़लेटर है इसके अंदर बहुत ही संक्षिप्त तरीके से क्या क्या पॉइंट उन्होंने करने हैं, तो ये हम स्कूल को भेजेंगे। और हम डीपीआई के थ्रू, हमारे साथ दोनों डीपीआई हमारे मैडम भी आ रही हैं, डीपीआई मैडम आ रहे हैं स्कूल के, और स्कूल हेल्थ के प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं पंजाब और चंडीगढ़ के, तो उनके थ्रू हम ये मैसेज पहुँचवाएंगे स्कूल्स के अंदर कि वो अंडरटेकिंग दें, अपने स्कूल अंडरटेकिंग दें कि हम ये 10 चार्टर्स जो हैं इसको हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। ज़्यादा एक सेमिनार करके सारे जो कैंटीन ओनर्स को बुला के आप सबको एक बार एजुकेट कर दें ताकि वो फिर रूल्स ना तोड़ें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हम स्कूल के प्रिंसिपल्स को वगैरह को बुला के करेंगे और इनफैक्ट हमारी एक ट्रेनिंग हो रही है। डॉक्टर पूनम हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो वो ये उन्होंने जो भारत सरकार ने बीड़ा दिया है PGI को, ये ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग के थ्रू हम उनको बताएंगे कि किस तरह के फूड करेंगे। है वो भी हमारे साथ हैं, पंजाब का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, तो हम एनकरेज कर रहे हैं कि जितने भी मैक्सिमम स्कूल्स हैं वो अपना जो है ईट राइट कैंपस डिक्लेयर करने के लिए जो भी एक हमारी चेकलिस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो हर स्कूल को हम बोल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनके वहाँ पे कैटरिंग फैसिलिटी है, मिड डे मील बनता है, स्कूल लंच प्रोग्राम बनता है, तो ये स्कीम हमारे पास है। धीरे धीरे जो है स्कूल्स वो इसको जिनको अवेयरनेस जा रही है वो इसको मतलब हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग। तो मैं परमज्योति मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा जो है भारत सरकार ने शुरू करा है, ईट राइट इंडिया वाला, तो इसमें PGI जो है वो ट्रेनिंग पार्टनर है और हमारा जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो एक अच्छा टाइप है, कन्वर्जेंस है, तो हम इसको जो है स्कूल्स के लिए शुरू कर सकते हैं। हमें एक बार होता है कि सरकारी योजनाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दी जाती है, धरातल पे कुछ और होती है। मैं एक सवाल मेरा ये है कि मैं लैंग्वेज में दूसरा जो व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड वाज वी वर इन अ स्कूल, मैं आर्ट सेक्टर में आई थी, कोई सरकारी स्कूल है वहां पर देख रहा था किसी सिगरेट शॉप के पास वहां लिखा था 100 मीटर तक जो है वो आप किसी भी तरीके से स्मोकिंग जोन या नहीं बना सकते, कोई नहीं कर सकते। लेकिन अगर चलो ये दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन अगर कोई भी स्कूल का बच्चा बाहर आता है सबसे पहले बाहर दो तीन चीज़ें होती हैं, तो पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं या फिर आइसक्रीम और जितने भी जंक फूड वाले हैं वही होते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं पे जाते हैं। तो आप ये किस तरीके की अवेयरनेस कर रहे हैं कि बच्चे कैंटीन में नहीं खा रहे वही बच्चे आगे बाहर खा रहे हैं? देखिए इसमें बिल्कुल बहुत सही सवाल है और अभी हम जब रिलीज़ करेंगे न्यूज़लेटर जो 10 पॉइंट्स हैं, अब स्टैटिस्टिक्स जो हैं आपकी बात ठीक है, पॉलिसी बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ पॉलिसीज़। तो हमारा आज इकट्ठे होने का उद्देश्य यही है, वन ऑफ द उद्देश्य कि ये बहुत दिन से चल रहा है, ईट राइट मूवमेंट भी चल रहा है ना, हमारे यहाँ पर बहुत सारी कैंपेन्स भी चल रहे हैं, पर उसको हम इम्पीटस दें इसके थ्रू, जैसे आपके थ्रू ये वाली चीज़ आएगी कि हमारे जो कैंटीन्स हैं, क्योंकि अब आपकी इस कार्यशाला के बाद हमारी तरफ से सभी स्कूल को लेटर जाएगा और हर एक स्कूल के अंदर लेटर के अंदर वो 10 पॉइंट्स चार्टर होंगे और हमारे लोग जाकर वहाँ पर एजुकेशन भी देंगे, जैसे डॉक्टर पूनम ने कहा कि ईट राइट मूवमेंट के लिए, और ऐसे भी हम वहाँ पे जाके बताएंगे, उनके प्रिंसिपल से मिलेंगे और उनकी भी ऐसी कार्यशाला आयोजित करेंगे हम, जैसे आपके साथ कर रहे हैं, उनको ही बुलाएंगे ये वाली चीज़ और उनको बताएंगे कि व्हाट कैन बी द गुड फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन चंडीगढ़। बिल्कुल वो है उसमें ना, वो 10 पॉइंट चार्टर आप पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ है 100 गज के दायरे में कोई कैंटीन इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिसमें फास्ट फूड मिले, तो वो भी हम पूरी तरह से करेंगे। सर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आपने बोला है कि बोल देते हैं प्रेस मीडिया में और चीज़ें जो हैं वो होती नहीं हैं। हम लोग पहले तो बताना चाहेंगे पब्लिक हेल्थ वाले हैं, हम जो ठान लेते हैं वो करते ही करते हैं, नंबर 1। दूसरा, हम लोगों की आदत है कि जब हमें ऐसे बोला जाता है तो हम बात नहीं मानते हैं, लेकिन जब वो चीज़ रेगुलेशन में आती है, जैसे ये 2019 में वाइड नोटिफिकेशन 15(1) है 2016 FSSAI का, उसके तहत अब ये जुलाई 2021 में इसको एक्शन में लाने के लिए बोल दिया गया है। अब ये सभी स्कूल्स के लिए मैंडेटरी है, स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए, कि वो मतलब एक प्रॉपर चेक रखेंगे क्वालिटी का, अगर वो कोई कैंटीन वाला भी हायर कर रहे हैं तो उसके पास FSSAI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो स्टाफ है वो फास्टैग ट्रेन होना चाहिए, प्रॉपर सर्विलेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, तो स्कूल में ही अभी अपने आप कमेटियाँ बनाएंगे डॉल, ठीक है। अच्छा एक ना मैं इससे पहले हाँ, तो हमारे पास हमारे साथ मिस्टर योगेश हैं, तो मिस्टर योगेश आप बताएंगे थोड़ा पंजाब के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब पंजाब में तकरीबन 19,780 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे हम आउट ऑफ दीज स्कूल्स और अभी 2 जिले ऐसे हैं, मोगा और फिरोजपुर, वहाँ पे आप सबको पता होगा जैसे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है आयुष्मान भारत के अंदर, और स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, तो उसके अंदर हर एक स्कूल्स में हम 35 ईयर्स तक के 2 टीचर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक मेल फीमेल, एंड वहाँ पे 6 थीमेटिक एरिया है। आउट ऑफ दैट एनसीडी एंड एनीमिया इज 2 ऑफ देम, तो उनका हम मॉड्यूलर ट्रेनिंग करा रहे हैं 6 वीक का। आगे मोगा और फिरोजपुर, मोगा और फिरोजपुर में 589 स्कूल्स हैं जहाँ पे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट वहाँ पे ये शुरू कर रहे हैं। आगे ये 24 आवर्स का बच्चों के साथ सेशन लेंगे, लेक्चर उनको और जो भी अवेयरनेस है वो कराएंगे। और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है पीजीआई के द्वारा, बिकॉज जब आप देखते हैं सर ने एथलेटिक्स की बात की, एक तरफ हमारे पास अनिमिया का बर्डन है, दूसरी तरफ हमारे पास ओबेसिटी, सो ये डबल बर्डन है और ये साइलेंट पैंडेमिक काइंड ऑफ है, तो इसको राइट एज पे ही करेक्ट करना है। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है जिसके लिए ज्वाइंट एफर्ट चाहिए, हमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस चाहिए, डिपार्टमेंट्स की चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी चाहिए, हेल्थ की चाहिए, एनजीओ है उनकी चाहिए। तो और दूसरी चीज़ अवेयरनेस के लिए जैसे बहुत सारे मुहिम, आपने पूछा पंजाब में तंदुरुस्त पंजाब मुहिम अभी पिछले साल चलेगी, तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयर हम लोग करा रहे हैं उनको। और ये जो मैंने 2 ज़िले की बात की, इसके अलावा 6 और ज़िले हैं जहाँ पे आप लोगों ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर पीयर एजुकेटर्स हैं, वो स्कूल से ही बच्चे हैं, 14 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं, वहाँ पे भी ये अनीमिया एंड एनसीडी का एक टॉपिक है, उनको भी ट्रेन किया जाता है और वो अपने पीयर्स को बताते हैं। जैसे टीचर्स बोलते हैं, जब हम भी थे स्कूल में तो हमारे भी टीचर्स बोलते थे, पेरेंट्स बोलते थे, तो हमें लगता था कि चलो हम लोग 80% इसको परसीव कर पाते थे कि गुड हैबिट है, बैड हैबिट है, बट इनके पीयर्स जब उनको बोलते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चेंजेज आती है, ये हमने देखा है। और ये पंजाब में, पंजाब के 6 जिलों में ये चल रहा है। जब अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं मानते हो, इसलिए काफ़ी टाइम तक पंजाब में करते आए हैं, फीस को लेकर तो कई बार नहीं मानी मैंने बात, खाने को लेकर मान रहे हैं, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो चीज़ जंक फूड है उसको ना दिया जाए, उसको लेकर आपने को लेटर जारी किए हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे हम लोग बाई एनुअल एनडीडी वगैरह करते हैं तो डीसी साहब की तरफ से लेकर जाती है, और ये सारे लोग एक पेज पे आते हैं, बिकॉज जहाँ पे बच्चों की भविष्य की बात होती है, उनकी सेफ्टी की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, तो सबका सहयोग मिलता है और सबके प्रयास से ये आप 100% तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, बट काफ़ी सहयोग है और धीरे धीरे चेंजेज आ रहे हैं। नहीं देखिए, आई थिंक यहाँ एक जॉइंट एफर्ट की बात है, यहाँ चंडीगढ़ के प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं और पंजाब के प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं, दोनों प्रोग्राम ऑफिसर हैं, तो हमें यहाँ पर हमें सबसे पहले ये है कि हमें उनको ये बताना चाहिए जो हमारे स्कूल क्यों नहीं मानते हैं लोग, स्कूल वाले क्यों नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर हम नहीं करेंगे वो प्रॉफिट नहीं होगा, लोग हमारे स्कूल में नहीं होंगे। पर ऐसे ही हमने किया था टबैको के लिए, हमने वो बोलते कि हमारे यहाँ पर अगर रेस्टोरेंट में लोग सिगरेट नहीं पियेंगे लोग नहीं आएंगे, पर उनको जब हमने ये बताया कि पंजाब के अंदर जब 2014-15 की बात है कि आपके अगर आप स्मोक फ्री करेंगे अपने अपनी रेस्टोरेंट को तो आपके पास लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का एम्बियंस होगा कि हर कोई बंदा आके बैठ सकेगा। इसी तरीके से स्कूल में यही प्रयास करने की ज़रूरत है और पीयर एजुकेटर अप्रोच है, तो मैं ये भी चाहूँगा दोनों को कि मेरे ख्याल से हमारे चंडीगढ़ के अंदर भी ये पीयर एजुकेटर जो है ना, हमने एपिलेप्सी के अंदर किए थे 2013-14 के अंदर, तो यही पीयर एजुकेटर अप्रोच यहाँ पर हो। एक सर मेरा सवाल ये है, क्योंकि बच्चे इस तरीके की सेमिनार शायद उनको बोलने लगते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी बात की जाए तो उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, फैक्ट्स ज़्यादा उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की अवेयरनेस लाई जा रही है तो बच्चे इंस्टाग्राम स्नैपचैट टी वी देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी हेल्प मीडिया से भी चाहती हूँ कि सोशल मीडिया, बच्चे हमारे बहुत, हमारी जनरेशन बड़ी फास्ट आगे जा रही है, जनरेशन जो है बड़ी जल्दी बढ़ रहा है, बहुत फास्ट है, तो कोई फिल्म इंडस्ट्री, कोई कार्टून्स, ऐसा मीडिया भी ऐसा करे कि जो बच्चों को अवेयरनेस हो प्रॉपर। हमें ये मीडिया से भी मैं हेल्प मांगती हूँ, और ताकि हमारे बच्चों को ये अवेयरनेस देने में आप हमारे बड़ा सहयोग करोगे। जैसे आपने प्राइवेट स्कूल की बात की, प्राइवेट स्कूल पहले बात ये है कि उनको बात समझ आ जाए, जब उनको बात समझ आ जाती है कि हमारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स को समझ आ जाती है, तो लिटरली वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपकी प्रोग्राम में हेल्प करते हैं। हमने एक इंटरवेंशन चंडीगढ़ में शुरू किया था हेल्थ प्रमोटिंग सीरीज, उसमें ये न्यूट्रिशन बहुत बड़ा कंपोनेंट था, एक पायलट प्रोजेक्ट था, स्कूल बहुत आगे आकर सामने आए हमारे और बहुत हेल्प की। रैदर वो जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो स्कूल्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया कि आपने वो प्रोजेक्ट ख़त्म क्यों किया। तो ये है कि जब हम अच्छे से उनको ये बिहेवियर चेंज एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब उनको बात समझ आती है तो फिर वो आपके हेल्पिंग हैंड बन जाते। तो मैं यही एक और चीज़ मैं दोनों से करना चाहूँगा, डॉक्टर पूनम आपके पास आते हैं, कि हमारा क्या रोड मैप रहेगा चंडीगढ़ और पंजाब के लिए जो आप कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमारा ये मीडिया आयोजन हो रहा है, इसके बाद हम आगे कहाँ तक ले जाएंगे? क्या हम ये FSSAI की जो गाइडलाइंस हैं ये स्कूल तक पहुँचा के, और जैसे कहा है कि वी कैन मेक स्मॉल फिल्म्स, छोटे छोटे कार्टून के वो भी बना सकते हैं हम, वी हैव दैट कैपेसिटी, है ना? तो कुछ रोड मैप के बारे में बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। अभी जैसा हमने मेंशन किया मोगा और फिरोजपुर में ये हम शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे एनिमेशन और ये सारे छोटे छोटे फिल्म्स, और इसके अलावा एक क्वार्टर में एक दिन हर एक स्कूल्स में एडोलेसेंट हेल्थ डे होता है, तो वहाँ पे थीम चेंज होते रहती है। जैसे अभी न्यूट्रिशन है, कभी एनीमिया है, कभी जेंडर है, कभी जेंडर बेस्ड वायलेंस है, कभी सेक्सुअल एजुकेशन है। तो ये वहाँ पे ये एक क्वार्टर में एक बार एक स्कूल्स में होता है। तो यहाँ पे अभी आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं इस पर इसकी फोकस रहेगी, पहले मोगा और फिरोजपुर में। इसके अलावा जहाँ पे 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुरदासपुर है, बरनाला है, पठानकोट है, संगरूर है, वहाँ पे जो ऑन गोइंग प्रोग्राम्स है उसके साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब मोगा फिरोजपुर में शुरू कर रहे हैं, आपने इस समय तंदुरुस्त पंजाब की बात की हुई, तो उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी तक? तंदुरुस्त पंजाब का भी फायदा है ये, बिकॉज ये इसको इस पर कंटिन्यूस 2-3 साल जब आप एफर्ट डालते हैं तो ये रिजल्ट दिखना शुरू होता है। बिकॉज ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत होती है। जैसे सर ने बात की कि अभी टोबैको फ्री का, और कल ही NFHS की डेटा आई है, तो आई थिंक और मतलब पंजाब में कितना प्रिवलेंस कम हुआ है। तो ये आपको आने वाले 2-3 साल में इसकी रिजल्ट दिखती है। वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस या रेसिपी जैसे भेजिए तो वो उस ढंग से किया जाए ताकि बच्चों की हालत ठीक हो। वहाँ ऑयल यूज़ किया जाए वहाँ पे, जैसे प्रोविजन है इलेबल ऑयल का है ना, तो वो सारा और कैसे प्रॉपर जो FSSAI की गाइडलाइन है वो सारा चीज़ वहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, मॉनिटर भी हो रही है और सारी चीज़ें फॉलो हो रही है। सर स्कूल के बाहर ही एक्चुअली गवर्नमेंट लाइसेंस या एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस दे देती है मोमोज और स्प्रिंग रोल्स वाला को। नहीं, वो अब खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया। 50 मीटर्स के रेडियस पे अब ये कोई भी इस तरह की मार्केटिंग और वो नहीं होगी, ब्रांडिंग नहीं होगी। स्पेशली जो हम HFSS फूड्स बोलते हैं ना, हाई इन ट्रांस फैट और फैट, HFSS, हाँ, हाई इन सोडियम, हाई इन शुगर, इनका तो कंप्लीट बैन कर दिया गया है। और अभी जो ये गैजेटेड नोटिफिकेशंस आई हैं उसमें 50 मीटर्स रेडियस इन्होंने मेंशन कर दिया है कि नहीं होगी। प्रॉपर फूड डिस्प्ले बोर्ड्स लगेंगे हर स्कूल में, और वहाँ से जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों तक जाएगी। दे में ऑल्सो गिव देयर काफ़ी ज़्यादा अब जो हैं उनके लिए क्या है, हार्म तो वो नहीं जैसे आप सकते हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, 2021 ये एक्शन में आया ना, जुलाई 2021 में, तो थोड़ा सा स्कूल वालों को और सबको थोड़ा टाइम भी चाहिए ना, वो अब धीरे धीरे। हाँ, चंडीगढ़ एक सबसे ऑर्गेनाइज्ड सिटी है। हाँ जी, चंडीगढ़ को अगर टाइम लगेगा तो पंजाब। नहीं, अभी देखिए अभी हम ऐसा कर रहे हैं, ये वाला जो नहीं बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम पॉलिसी बनने में और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो आप बोल रहे हैं लाइसेंस तो आप बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं इन लोगों को जो वहाँ बेचेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ प्रोग्राम अफसर हैं, और अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है डॉक्टर पालिका अरोड़ा जो हैं, जो डायरेक्टर स्कूल है ना हायर एजुकेशन चंडीगढ़ हैं, तो वो भी आ रहे हैं, तो शी इज़ आल्सो कमिंग ऑन द वे हैं। तो उनसे अब हम थोड़ा सा और वो करेंगे, क्योंकि जब तक ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों तक नहीं पहुँचेगी, ये वाली चीज़ उनके टीचर तक नहीं पहुँचेगी, तो तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उनसे भी हम राय ले लेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को इस मुहिम को जो हम आज कर रहे हैं ट्रांसफैट फ्री स्कूल, किस तरह से वो आगे ले जाए, है ना? इसमें कर रहे हैं हम, एक हमारा प्रोजेक्ट चला हुआ है डॉक्टर पूनम के साथ, हमारा जो ट्रांसफैट इसके ऊपर जो चली हुई है, उसमें जो भी NGO आना चाहते हैं हमारे साथ उनको हम इन्वॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने मीडिया के थ्रू ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ चल रहा है, इफ़ समबडी वांट टू पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस और एनी रोल, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। हाँ जी सर, अगर कोई मिलती है मिस्ट्री एंड मिलती है कोई, तो फिर उससे रिपोर्ट कहाँ करना है वो बता दीजिए जहाँ पे अभी भी चल रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह की अगर न्यूज़ मिलती है तो ये मिनटू से कि किसको रिपोर्ट करना है, तो आप फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं वहाँ पे हर उसमें जो है, जैसे पंजाब में भी हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। चंडीगढ़ में सुखविंदर सिंह सर हैं, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं। आप वहाँ पे इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए, तुरंत एक्शन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपनी उनके पास दे हैव फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अंडर देम, दे विल गो वहाँ मॉनिटरिंग और सर्विलेंस करेंगे और वो तुरंत के तुरंत, तभी उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ये सारे इमीडिएट एक्शंस हैं, मतलब ऐसा देर वाला कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है जी। योगेश जी, आपने बताया कि जितने भी पंजाब में स्कूल हैं जहाँ मीडिया बनते हैं, एफएसएसआई के सारे जो भी मेजरमेंट है उसके अंदर अगर कोई पेरेंट्स या कोई भी जानना चेक करना चाहता है कि एफएसएसआई के मानकों के हिसाब से मीडिया तैयार हो रहा है, क्या वो कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए पेरेंट्स विजिट करते हैं, स्कूल्स की कमेटी है वो विजिट करते रहती है। और जैसा हमने बताया कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बनती है, बट हेल्थ डिपार्टमेंट भी रेगुलर वहाँ पर स्कूल हेल्थ चेकअप होती है, तो जितनी हमारी मोबाइल हेल्थ टीम है एटलीस्ट वो जाके चेक करती है। और वो जिस दिन जिस भी स्कूल्स में जाती है वहाँ पे वो खाना टेस्ट कर लेती है और वो प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो फॉलो करती है। सर, डायरेक्टर फॉर एजुकेशन इस प्रोग्राम में आए हैं, तो आप कुछ अपील भी करेंगे उनसे? बिल्कुल, यही हमारे जो हमारा अपील ना न्यूज़लेटर में है। न्यूज़लेटर रिलीज़ करेंगे, उसमें 10 पॉइंट चार्टर हैं, उसमें हम यही बोलेंगे कि ये चार्टर जो है सारे स्कूल की कैंटीन में जाए, सारे स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाए। नंबर 2, उसका एक अंडरटेकिंग स्कूल वाले दें कि हम ये चार्टर को ऑबे कर रहे हैं। एक अंडरटेकिंग आए, और जिसे हम टबैको के लिए करते हैं, टबैको फ्री स्कूल्स, उसी तरह से एक अंडरटेकिंग, सेल्फ अंडरटेकिंग कि देखो जी ये हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। उसके बाद रैंडमली हम ये बोलेंगे आपकी टीम जाकर एटलीस्ट 10 से 20% स्कूलों को जाके चेक करें कि जो अंडरटेकिंग वो उन्होंने दी है उस अंडरटेकिंग के मायने पर वो उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो इस तरह से रेगुलर हमारा वो होगा, क्योंकि हर एक स्कूल को जैसे 2000 कितने स्कूल हैं, इतने स्कूल हैं, हर एक में जाकर टीम का करना बड़ा मुश्किल है। तो पहले हम सेल्फ अंडरटेकिंग लेते हैं। सेल्फ अंडरटेकिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब हम अंडरटेकिंग देंगे तो हम गलत नहीं लिखेंगे उसके अंदर, है ना, गलत लिखने में हम फंस जाएंगे, तो इसलिए ट्रुथ लिखेंगे। अगर तब भी गलत हुआ तो 10% टीम जाएगी, सैंपल करके आ जाएगी वहाँ पर। क्या अभी जंक फूड बैन है टोटली स्कूल्स में? चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करें, जंक फूड अभी बैन है, तो आपकी तरफ से जैसा देखिए जंक फूड के बारे में आप जो एफएसएसआई है डॉक्टर सुखविंदर, वो पूरे प्रोग्राम्स करते हैं चंडीगढ़ के स्कूल्स में ताकि कोई भी जंक फूड की अवेलेबिलिटी ना हो। हमारी तरफ से भी एडवाइजरी होती है, पर अगर कोई मॉनिटरिंग हमारी आरटीएस की टीम्स भी जाती हैं, तो ऐसा कोई है नहीं कि जंक फूड के लिए अवेलेबल है कैंटीन्स में। हमारा जो मिड डे मील है वो चंडीगढ़ का बड़ा ऑर्गेनाइज है, उसमें भी मिड डे मील कमेटीज़ बनी होती हैं, क्या फूड देना है, कितनी कैलरीज है, वो सारा हमारे डाइटिशियंस और वो सारा पहले ही प्रोसेस होता है। और बनता भी चंडीगढ़ में तो बड़ा ही ऑर्गेनाइज किचन्स में बनता है, और ऐसा नहीं है कि कोई उसमें से कोई न्यूट्रिएंट कम कर देगा या ज़्यादा डाल देगा। तो इवन आयरन, फोर्टिफाइड सॉल्ट हैं, ऑयल्स हैं, वो भी जो ब्रांडेड ऑयल्स हैं जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन है, तो मिड डे मील ऐसे ही बनते जाता है। सर, अभी हमने प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, कितना खतरा है? देखिए, खतरा तो नज़र आने लग गया है, बिकॉज़ हर बार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है अब 5-5 साल बाद होता है, पहले 2015-16 में हुआ था, अब 2019-20 में हुआ है ये वाला सर्वे जो 21 में रिपोर्ट आई है। तो उसमें ओबेसिटी बढ़ी है, मैंने आपको बताया, हाइपरटेंशन बढ़ा है, डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बढ़ा है, तो सब चीज़ की प्रेवलेंस आपके इंक्रीज़ हुए हैं। तो दिस मीन्स कि हमारी जो चीज़ें हैं वो अब वी आर रीचिंग एट दैट स्टेज कि जहाँ पर हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत प्रेवलेंट हो गई है। बस मेरा यही सवाल था कि अगर इतना खतरा बढ़ गया है तो एडवाइजरी या फिर वार्निंग भी हुई है? एडवाइजरी ही रहेगी सर, तो एडवाइजरी इज लाइक जस्ट एन एडवाइस। वार्निंग तब होती है जैसे हमने आज ये शुरू कर रहे हैं, न्यूज़ लेटर दे रहे हैं और सारे इंटरवेंशन, सारे स्कूल अंडरटेकिंग देंगे। वार्निंग तो डिफॉल्टर को देंगे ना। अभी जैसे आप जितने भी फूड ईटिंग जॉइंट्स है या कोई कैंटीन है, पहले हम उसको अवेयरनेस तो देंगे कि ऐसा लॉ है। नहीं, आई थिंक मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, पर वही बात है कि आज हम जो एक मुहिम हम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हम पहले हैं करने वाले इस चीज़ को, पहले भी चीज़ें हो चुकी हैं। ये एक इम्पीटस होता है, धीरे धीरे आप आए ये करके, तो हम इसमें करेंगे कि अंडरटेकिंग आए और उनकी तरफ से फिर हमारी टीम जाए और कम से कम कुछ लोगों को पेनल्टी हो, और पेनल्टी के बाद वो आपकी मीडिया में भी आए, है ना, वो इम्पोर्टेंट। ये मैडम बहुत अच्छा सजेशन है, और जो हमारी एडवाइजरी जाएगी, हम जो लेटर लिखेंगे, जो हम ये बोलेंगे कि पंजाब की तरफ से या चंडीगढ़ की तरफ से जाए, हम हेल्थी डाइट्स कुछ उसके अंदर लिखेंगे कि ये वाली चीज़ आप आराम से, जैसे गुड़ चने की जो आपके लड्डू होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके वहाँ पर अवेलेबल हों। तो ये डाइट्स की लिस्ट भी हम आप उनको देंगे, रेसिपी भी हम उनको देंगे। और इस पर ना डॉक्टर पूनम ने एक कॉम्पिटिशन भी कराया था अभी पंजाब और चंडीगढ़ के स्कूल्स के अंदर, और उनके काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए थे। हमारे पास एक रेसिपी की बुकलेट भी हमने बनाई थी कि जो हेल्दी रेसिपी की बुकलेट है।